नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राव। आए दिन लगातार खबरें आ रही है कि किसी कॉमेडियन ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया तो किसी फिल्म में या वेब सीरीज में इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया। इसके खिलाफ लोग अब आवाज उठाने लगे हैं, शिकायतें भी दर्ज हो रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने की वजह से इस पर रोक लगती नहीं दिख रही है। हाल ही में शेमारू और कॉमेडियन सुरलीन कौर का विवाद और अनुष्का की पाताल लोक के साथ ही एकता कपूर की वेब सीरीज के नाम पर चल रहा विवाद अभी थमा ही नहीं था कि एक नई फिल्म विवादों में आ गई है। ये फिल्म अमेरिकन ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रही है, जिस पर हिंदुओं और हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगा है। नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट मूवी चिप्पा की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, जिसमें हिंदुओं के भगवान हनुमान का मजाक उड़ाते हुए देखा जा सकता है। इस मूवी के निर्देशक और लेखक सफदर रहमान हैं। फिल्म के क्लिप में दिखाया जाता है कि एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स एक बच्चे को अपनी परदादी मरहूम शौकत जहां की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि उसकी परदादी शौकत जहां को बचपन से ही घुड़सवारी और लड़ाकों के साथ खेलने का काफी शौक था। वो नारियल को मुक्का मारकर ही फोड़ देती थी। एक दिन वो नारियल लेकर आ रही थी कि उसके सामने हनुमान आ गया। हनुमान ने उसके हाथ से नारियल लिया और एक तरफ खड़े होकर हंसने लगा। परदादी शौकत ने अपने हाथ की आस्तीन को मोड़ा और फिर उसके पास गई और एक जोर का थप्पड़ मारा और उसके हाथ से नारियल ले लिया। इसके बाद हनुमान ने अपना सिर झुकाया, दुम दबाई और भाग गया। अब इस क्लिप को शेयर कर लोग इस फिल्म के निर्देशक और लेखक सफदर रहमान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के भगवान हनुमान का मजाक बनाया और हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया। दरअसल कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इस फिल्म के आखिर में जब यही कहानी सुनने वाला बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसे थप्पड़ मारा जाता है। दरअसल आपको बता दें कि कहानी सुनाने वाला बंदर के लिए हनुमान शब्द का इस्तेमाल करता है। वो ये भी कहता है कि हनुमान मतलब समझ गए ना, मतलब इस शब्द पर स्क्रिप्ट में खास जोर दिया गया है। ऐसा लगता है कि लेखक ने हनुमान का अपमान करने की मंशा से ही ये डायलॉग लिखा है, वरना वो बंदर के लिए बंदर शब्द का इस्तेमाल करता, क्योंकि उसका आशय यही था कि उसकी दादी से बंदर ने नारियल छीना था, लेकिन लेखक ने जानबूझकर वहां हनुमान शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों, ये तो वही बता सकते हैं और उनसे पूछा भी जाना चाहिए। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब नेटफ्लिक्स ने हिंदू देवी देवताओं या धर्म का अपमान किया। इससे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर लैला और सीक्रेट गेम्स के जरिए हिंदू विरोधी घृणा फैलाई गई थी। तब भी इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज उठी थी, लेकिन पुरजोर तरीके से विरोध नहीं हुआ, इसलिए नेटफ्लिक्स ने इसे हल्के में लिया और ये काम बदस्तूर अभी भी जारी है। नेटफ्लिक्स सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ ही नहीं, भारत की सेना और संस्थाओं को भी बदनाम करने वाला कंटेंट प्रचारित और प्रसारित करता है। इसके खिलाफ पिछले दिनों शिवसेना नेता रमेश सोलंकी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि नेटफ्लिक्स कई शो के जरिए लगातार हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम कर रहा है। शिवसेना नेता ने अमेरिकी कंपनी पर आरोप लगाया था कि नेटफ्लिक्स के जरिए दुनिया भर में भारत की नकारात्मक छवि पेश की जा रही है। शिवसेना नेता ने अपनी शिकायत में सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत सेक्रेट गेम्स, उमा कुरैशी की लैला, राधिका आप्टे की गूल और स्टैंड अप कॉमेडियन हसन मिनाज की पेट्रियट एक्ट का नाम लिया था। सोलंकी ने कहा था कि नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाले लगभग सभी सीरीज में भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। इस फेहरिस्त में एक और नया नाम जुड़ गया है। आगे भी ये फेहरिस्त शायद लंबी होती रहेगी, क्योंकि इनके खिलाफ शिकायत के बाद भी कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या नेटफ्लिक्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर अंकुश लगे ताकि हिंदू देवी देवताओं का अपमान न हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये जो नेटफ्लिक्स की घिनौनी मानसिकता, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चल सके। और इसी खबर के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।